हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप लोग सोच रहे होंगे दी इतना रेडी होके कहाँ जा रही है। तो आज मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। मैंने कुछ खास नहीं किया है, बस एक लिपस्टिक लगा ली हुई है जो कि है फिजिशियन फार्मूला की। और आप लोगों को पता है, लिंक मैंने दिया हुआ है। कल मुझे एक कमेंट आया था, मैं हूँ मेरे ससुराल में, बैकग्राउंड से आपको पता चल गया होगा। कल एक मुझे कमेंट आया था जो मुझे हद से ज़्यादा हर्ट किया। मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ। फेस मेकअप तो मैंने कर लिया, आप देख सकते हो। ये देखिए, कुछ खास मेकअप नहीं है, बट हाँ, ससुराल में हो तो इतना तो रहेगा ही रहेगा। मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ बॉडी क्यूपिड का पिंक लोटस बॉडी बटर। आप में से कई लोग बोलेंगे दी आप रोज़ रोज़ चेंज करते रहते हो, तो ये देखो ख़त्म हो गया है ये। मैं इसे मेरे घर पे भेज दी हूँ, जब तक हूँ तब तक अलग अलग अपना ट्राई कर रही हूँ, देख रही हूँ कौन सा सबसे अच्छा है, तो मैं भी इसे ही मंगाऊँगी। और पिंक लोटस बॉडी बटर जो है बॉडी क्यूपिड का, इसका आप देख सकते हो इतने बड़े ट्यूब में है। वाओ, रोज की जो प्रेगनेंस है माइंड ब्लोइंग है। एंड ये है बॉडी क्यूपिड ब्रांड का, गाइस वाओ का नहीं है, वाओ और बॉडी क्यूपिड दोनों एक ही ब्रांड है आई थिंक, बट इतना मैं श्योर नहीं हूँ। बैकग्राउंड में बाबू काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इसका कलर देखिए ज़रा आप, हम लड़कियों का फेवरेट कलर है बेबी पिंक। और इसे मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ। मैंने मेरे पैर में भी कुछ नहीं लगाया हुआ है, रूखा हुआ, एकदम रूखा हुआ है मेरा पैर, तो मैं लगा ले रही हूँ। और मैं अभी आपसे बात भी करूँगी। ये लो आ गए, आप मेरा आई शेडो लेके कहाँ डाल रहे हो? चलना है कि नहीं मामा के यहाँ? इनको मामा के यहाँ नहीं जाना। कल रात में हम लोग काफ़ी लेट आए हैं, 4 बजे आए हैं, और नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो इस बॉडी बटर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। और ये तो बता ही दिया कि हम कहाँ चल रहे हैं। ये देखिए, हाथ देखिए मेरा, ये मैं जल गई थी, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। कल रात में जब हम गए तो हम अपना ट्राईपॉड भी लेके चले आए, क्योंकि बिना ट्राईपॉड मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। तो चलो पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं इस बॉडी बटर के बारे में। सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देख लीजिए। सो गाइज, आप देख सकते हो ये है बॉडी बाथ बॉडी क्यूपिड लग्जरी पिंक लोटस बॉडी बटर, पिंक बॉडी बटर विथ प्रीमियम बोटानिकल ऑयल्स, पैराबीन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, नेटवेट 250 ml मिलता है। इसकी प्राइस है 1099 का है। और टू यूज आफ्टर शावरिंग टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बॉडी बटर एंड अप्लाई जेंटली ऑन द स्किन, मसाज विथ सॉफ्ट सूदिंग स्ट्रोक्स टिल इट गेट्स एब्जॉर्ब इन टू द स्किन, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। की इन्ग्रीडियंट्स आपको प्योरीफाइड वाटर मिलता है, सिया बटर मिलता है, कोकोआ बटर मिलता है, ग्लिसरीन, जोजोबा ऑयल, स्वीट एलमंड ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसमें आपको सारे इन्ग्रीडियंट नेचुरल मिलते हैं। अगर आप एक बार इसे मंगा लोगे नहीं कुछ, तो नेक्स्ट ठंडी तक तो आपकी चली जानी है। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है। आउटर पैकेजिंग हम लड़कियों की मतलब हद से ज़्यादा फेवरेट है। आप लोग सोच रहे होंगे दीनी दुपट्टा की ओढ़ लिया तो पापा आए थे। हाँ, कमेंट से मुझे याद आया, कल मुझे कमेंट आया था कि पहले तो बड़ी संस्कारी बहू बन के जाती थी, साड़ी पहन के जाती थी, अभी इतनी बेशरम निर्लज बेहया ये कि सूट पहन के जाती है। और एक कमेंट किया था नीलू सिंह, ज्योति सिंह, तीन मतलब सिंह की ही आईडी से मुझे कमेंट आया। मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब अगर मैं सूट पहनी हूँ तो बेहया, बदचलन, बदतमीज, निर्लज, बेशरम, पता नहीं फलाना फलाना क्या क्या हो गई। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैंने तुरंत उन लोगों को ब्लॉक किया, मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा ऐसे लोगों को रिप्लाई करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं, बट मैं लोगों से बात करूँगी, आप लोगों से बात करूँगी कि क्या ये सच है। हमें तो नहीं लगता जितना जो है सूट में सब कुछ ढका रहता है। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे सूट पहनती हूँ मेरे ससुराल में। वैसे तो मैं पहनती नहीं हूँ, बट अगर कोई मजबूरी आ जाती है तो मैं ज़रूर पहन लेती हूँ। और चाहूँ तो मैं आप लोगों के साथ यार जब सामने आऊँ तो मैं सूट के दुपट्टे को ही कुछ इस तरीके से ले लूँ कि लगे हाँ साड़ी है। इतनी कला तो मुझे भी आती है, सूट के दुपट्टे को ऐसे बना लो कि साड़ी लगे, ठीक। बट मैं यार आप लोगों को रियलिटी दिखाती हूँ, रियलिटी दिखाने का आप लोग ऐसा सिला देते हो, मतलब इतनी गंदी गाली बकते हो, सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं भी आपको अपना सूट दिखाती हूँ। गाइस, सूट तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, मैंने अलग से दुपट्टा लिया हुआ है। देखिए ये दुपट्टा इतना ज़्यादा लेंथी है कि फुल कवर हो जाता है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। सच में प्लीज़, एक लड़की होके एक लड़की को ऐसी गालियाँ बिल्कुल मत दे, बहुत ज़्यादा दर्द देता है। आपके घर में औरतों की इज्जत नहीं होती क्या? आप यही देखते हो? मुझे जाना है अभी हॉस्पिटल, चलो मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। जैसे आप कहाँ से, इसमें मैं बेहया, बदसलन, बदतमीज लग रही हूँ। So guys, चलो चलते हैं। So guys, हम लोग चल रहे हैं घर से, अभी तो स्माइल करते हुए चल रहे हैं, पता नहीं आगे टाइम क्या होगा, बोल भी पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, आई डोंट नो।
सो गाइस, हम लोग आ गए हैं घर का पूरा तीन टीथ जो है निकाले हैं, बोला नहीं जा रहा है और बोलने के लिए मना किए हैं, चक्कर सा आ रहा है मुझे। बट मैं यहाँ कार में अकेली हूँ और बड़ी बेचैनी सी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। ये जो मेरी जुबान है ना, जीभ और ये होंठ इधर का साइड पूरा ना इतना वजन हो गया है कि कुछ ठीक से बोला नहीं जा रहा है, और अभी हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है। हम लोग आ गए बद्दापुर, जौनपुर से बद्दापुर आए हैं। यहाँ पर मम्मी को दिखाना है डॉक्टर को, मम्मी गई है अंदर, मैं बाहर हूँ क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा है, चक्कर आ रहा है। तो मैंने कहा कि मैं यहीं अंदर रहती हूँ, फिर घबराहट सी हो रही थी, फिर मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों से बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तीन दिन बाद फिर से बुलाए हैं इधर का जो टीथ है इसको निकालने के लिए। चलो मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। सो गाइस, कल रात में हम लोग आए हैं, 8:30 बजे आए थे, बट बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, अभी भी मुझसे बोला नहीं जा रहा है। इधर आप देख सकते हो स्वेलिंग भी आ गई है, पूरी आइज़ आप देख लीजिए कैसी हो गई है। मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, ब्लॉग का एंड तो किया नहीं, एंड हाँ हॉस्पिटल का जो है वहाँ पर रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी, तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं करी। और क्या रिकॉर्डिंग करते, क्या दिखाते हैं आप लोगों को तो पता ही है ना, मुझसे पता ही दिया, ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़ का प्रमाण देना ज़रूरी नहीं होता। आई नो मेरी जो प्रियादीप फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, वो लोग मुझे समझते हैं। तो बस कुछ बातें हैं गाइस जो काफ़ी ज़्यादा चुभती हैं मुझे। वैसे निगेटिविटी मेरी लाइफ से बहुत दूर रहती है, जैसे ही मैं मेरे ससुराल में आती हूँ लोग इतना ज़्यादा डिमोटिवेट करने लगते हैं, इतनी ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ देने लगते हैं कि मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कैसे रिएक्ट करूँ, कैसे क्या करूँ। यार मैं भी तो इसी घर में रह रही हूँ ना, बहुत सारी बातें हैं फैमिली की जो बताई नहीं जा सकती, या फिर आप समझ लीजिए कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि होता है, बट ऐसे ही कब तक इंसान झेलता रहेगा, कभी ना कभी तो बता ही देगा ना। और मैं यहाँ पर इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली से लगाव है और यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ मैं अकेली बोरिंग लाइफ जीती हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दीप ऑफिस चले जाते हैं सुबह से, सॉम ऑफिस चले जाते हैं, मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि तेरे पति को कितनी छुट्टी मिलती है जब देखो तब, तो लोग क्यों नहीं समझते कि ये मेरे जो ब्लॉग होते हैं एक या दो दिन के होते हैं और हर बैंक में सेकेंड एंड फोर्थ छुट्टी होती है, एंड अगर कोई मेडिकल इशूज़ है तो फैमिली के लिए मेडिकल छुट्टी भी मिलती है। तो अभी दीप ने लीव लगाया हुआ है, दो दिन का लीव लिए हुए हैं दीप, बट हम लोग आज ही निकल जाएंगे क्योंकि कल हमें शिफ्टिंग भी करनी है। प्रॉपर शिफ्टिंग तो नहीं कर पाएंगे, 14 तारीख को लग जाएगा खरमास, तो हम वहाँ कपड़े वपड़े रख देंगे, कुछ एक कपड़ा रख देंगे ताकि हम चाहे जब शिफ्टिंग कर लें इसी मंथ के एंड में कर लेंगे। कई लोगों ने बोला था दी होली से पहले प्लीज़ शिफ्ट मत करना, तो इसलिए हम लोगों ने होली के बाद रखा, लेकिन 14 तारीख से खरमास लग जाना है इसलिए हम लोग आज ही जाएंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द आपको मेरी आईज से देख लीजिए पता चल रहा होगा। इतने पेन में मैं कभी भी बात ना करती, बट ज़रूरी है, आप लोग भी तो मेरी फैमिली हो। हल्का धीरे धीरे से बोल रही हूँ, सो अब चल रही हूँ, देखती हूँ क्या कैसे करती हूँ। और यार गाइस आप लोग ये बताओ, सूट पहन लेने से कोई कहाँ से जो है संस्कार भूल जाता है, कहाँ से एक घटिया बहू बन जाता है, कहाँ से। मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरा घर मैंने आप लोगों को दिखाया है मेन रोड पे है, मतलब गांव वालों से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पापा जी ही बोलते हैं कि जिसमें कंफर्टेबल हो पहनो, और प्रॉब्लम थी तब मैं सूट मुझे मेरे मायके जाके रहना था, बट मैं मेरे मायके में नहीं रुकी, बस ऐसे ही अच्छा नहीं लगा कि मैं मायके में रुक जाऊँ। अगर हेल्थ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो मैं सोचती हूँ माँ बाप के ऊपर बोझ क्या बनना, वैसे उनके लिए बोझ बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट मेरी फीलिंग यही है, मेरी थिंकिंग यही है कि
हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, तब मायके में रहो। माँ बाप को भी अच्छा लगेगा, उनको दर्द तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर आपका चेहरा उदास रहेगा ना तो आपके माँ बाप वो मुस्कुरा नहीं सकते हैं, वो भी अपनी खुशी भूल जाएंगे, वो अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते। और मुझे पता है कल रात से मैं इतना कराह रही हूँ, मेरी पूरी फैमिली पागल हो जाती, माँ बाप से लेके सब कुछ, दादी दादा सब, तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रुकी, मैं चली आई। पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है, मैं वीक हो रही हूँ, पता नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे ना जिन्होंने मुझे तोड़ दिया। मैं इसीलिए ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, आप लोग जाओगे देखोगे तो मेरे चैनल पे आपको कम से कम ब्लॉगिंग मिलेगी, या फिर आपको वही ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी जब मैं कहीं जा रही हूँ, कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ, कोई नई चीज़ है वो दिखाना चाह रही हूँ, या जब मैं कुछ ख़रीदारी कर रही हूँ। मैं मेरी डेली की लाइफ आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती, बोरिंग लाइफ क्या दिखाऊँ। इसीलिए सो गाइस, जब मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगी, प्लीज़ अब दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू।